हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम नया लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारे में डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र नहीं होता, हमें वो डाउनलोड करना होता है। हमारे कंप्यूटर के साथ जो ब्राउज़र आता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र आता है, लेकिन हमें क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड खुद करना पड़ता है। तो इसी वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ किस तरीके से आप क्रोम ब्राउज़र को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फरमान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो फरमान में। क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि डाउनलोडिंग का जितना भी काम होता है वो सब इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद ही होता है। तो आइए सबसे पहले चेक कर ले आपके लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ नीचे देखिए, जैसे मेरा मेरे से वाईफाई कनेक्ट है, तो यानी मेरे में तो नेट कनेक्ट है। ठीक है, आप भी चेक कर लेना। अभी हमारा इंटरनेट तो कनेक्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो डिफ़ॉल्ट हमारे डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के साथ जो ब्राउज़र आता है उसमें जाना है। तो उसमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे पास विंडो 11 है, तो विंडो 11 में मुझे यहाँ ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज़र का, ये ना माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है। देखो, मैं यहाँ जाऊँगा ना तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र होता। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता, आपके पास विंडो 10 है, तो उसके लिए आप यहाँ सर्च है ना, सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाकर आपको या तो इंटरनेट लिख दें, इंटरनेट लिख दें, IN भी लिखेंगे ना तो ये भी आ जाएगा, IN ही लिख दें सिंपल सा। उसके बाद यहाँ ओपन पे क्लिक कर दें। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमें सर्च बार में सर्च करना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम करके एंटर दबा देना है। एंटर दबाएंगे जैसे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको जो दिख रहा है ना डाउनलोड का ऑप्शन, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है शायद, हाँ। तो देखिए, ये हमारा नया पेज ओपन हो गया। अब क्रोम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें क्रोम डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ रहा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, जस्ट ए फ्यू स्टेप लेफ्ट। मैं यानी हमें यहाँ पर नीचे स्टेप दिखा रहा है कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ मैनुअली पे जाना होगा। ये है ना, एक लिंक दे रखा है यहाँ पे, यू विल बी ऑटोमेटली इफ़ यू डोंट डिड अन इंस्टा। यहाँ पर मैनुअली पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा आपको। वैसे मेरे में डाउनलोड है पहले से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको ओपन फाइल पे जाना होगा। यहीं से ओपन फाइल कर लीजिए, जैसे लिखा हुआ रहा है यहाँ पर, ओपन फाइल करिए। डाउनलोड होने के बाद फाइल को ओपन करा, ओपन करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद हमारा ब्राउज़र इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इंस्टॉल में वेट फॉर डाउनलोडिंग, 1-2 मिनट लेगा ये। ये देखिए, हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। 2nd, 30 सेकेंड, 31, 32, ये कुछ सेकेंड रह गए हैं। तो दोस्तों, मैं इसे यहाँ कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसे कैंसिल डाउनलोड कर दिया, क्योंकि मैंने इसको इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा मेरे पास क्रोम ब्राउज़र पहले से है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वही तरीका है। तो इस तरीके से आप अपने क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैप। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।